सुधर जा ये मुझे नहीं पता। सुधर जा रे पार गरम होगो ना मेरो फिर देख मम्मी देखे दूठी रख रखी है ये मनीष देखो बे मनीष की होगी मुझे पता मम्मी तू आके बिना है पापा पूछ रहे फोन करके मेरे पापा पूछ रहे फोन कर सुधर जा सुधर जा। अरे मनीष की होगी मुझे नहीं पता पापा 12 बजे आपके पास है मनीष टेस्ट करवाया मम्मी पापा इनके पास। तो हेलो गाइज वेलकम बैक नवीन डेटा व्लॉग नए व्लॉग में करते हैं आपका स्वागत। तो गाइज आज मैं कई दिन बाद मैंने ना कच्चा बलियान से पैंट शर्ट पाया हूँ कई दिन बाद आया हूँ नहीं तो मैं कम से कम 10-15 दिन हो गए कच्चा बलियान में कभी कच्चा बलियान में ही रहूँ दुकान पर। तो आज घने दिन में मैंने ये कपड़ा पहना फॉर्मल ड्रेस पहनी घने दिन में आज मेरा मन से करा है आज बहुत दिन में फिर आज शनिवार भी है ना Yes. शनि को शरीर तो मैचिंग में भाई आज शनि महाराज का दिन है तो काले कपड़े पहने चाहिए तो मैंने भी नहा धोकर अपने पर मैंने नोटिस ना करो पिंकी तने ब्लैक कलर पहन रखे हैं तो अब लड्डू को ब्लैक पहन रहा हूँ लड्डू वो लड्डू ए गंगा गंगा। तो भाई कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा हूँ और लड्डू भी नहा लिया है लड्डू एक तो दिखाइए शिकल दिखा अपनी लड्डू नहा लिया इस पर नागिन डॉस स्कूल जाएगा गाइस ये सोम मार तो तो चलो गाइस मुझे दुकान पर जाना है उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ दुकान पर तो मेरे दिमाग में मेरी खोपड़ी में मतलब कि मेरे गोले में एक बहुत तगड़ा खुरापती आइडिया आया कि मैं एक प्रैंक करूंगा पिंकी पे बहुत खतरनाक अब तक का सबसे धांसू प्रैंक होएगा तो वो तुम्हें व्लॉग में देखने को मिलेगा क्या है तो बहुत ज़बरदस्त प्रैंक है तो देख सकते हो मैं आज किट में हूँ ब्लैक किट में मतलब कि प्रैंक के चक्कर में मैंने आज ड्रेस पहनी है क्योंकि मैंने यूँ रात ही सोच लिया कि कल मैं ये प्रैंक करूँगा तो मैंने सोच रखा तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है वो तुम्हें मिलेगा आगे मिलते कुछ देर में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ संत नगर और मैंने ले लिया है प्रैंक करने के लिए ये रिंग इस पिंकी के ऊपर प्रैंक करूँगा और आगे का प्रोसेस तो मैं ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए पर बहुत धांसू प्रैंक है सोच रखा हूँ बहुत तगड़ा प्रैंक जाएगा। अभी इसकी पैकिंग करवानी है फिर मुझे घर जाना और तुम्हें मिलेगा ब्लॉग में देखने के लिए आगे का प्रोसेस। तो गंगा इसमें आ चुका हूँ घर और पिंक केयर मम्मी पर लेकर मम्मी मैं पापा वाले कमरे में और मेरे लिए टॉम चौंग ले लिया और मैं अपने फ़ोन सेट करूँगा कमरे में जाके कमरे में फ़ोन सेट करना पड़ेगा पहले मुझे ठीक है ना शुरू करता हूँ मैं अपना प्रैंक। तो गाइस कैमरा सेट कर लिया मैंने कैमरा छुपाया हुआ ढंग से जो दिखे ना और मैं अब तैयार कर लेती हूँ भैया लड्डू लड्डू बेटा मम्मी बोला अपनी रोटी ला देगी मम्मी इसके अंदर रोटी ला रही आ गया आप मैं हम तो उस कमरे में बैठे लाइट चलेगी ना तो हम विंडो खोल रखी तो लेवाड़े कमरे पापा वाले ना कट गई लाइट लाइट बहुत देर हो गई है बहुत देर मम्मी को मम्मी उधर ही लोटी है मम्मी भी मैं भी वही लोटे कमरे में उसमें ही पापा वाले में हवा सी लग रही ना वहां मैं मम्मी पापा वाले दादी बुला रोटी लाऊं दादी बुला रोटी लाऊं हां रोटी खा सब्जी का बनाई आलू बैंगन ला दा रोटी लड्डू रोटी का चावल लिया थोड़े से चावल बनाए चावल खाओ रोटी खाऊं चावल खा ले फिर रोटी खाऊंगा मम्मी बुला उछल के चावल दाना खा ले चला गया मम्मी बुला रहे काहे बुला रहे पैसा पैसा ले इन काट हां रोटी ला दी पापा को मम्मी पापा गए घूमने थोड़े से खा लो मैंने पानी तो भी खा लिया मैं फोन कर रही आप फोन उठाए मैं दुकान पर तुम्हारे पापा को फोन करो मैंने दुकान को मैंने पापा को फोन करा ना आप तो पापा मना कर रहे मार गिर गया पापा गए आपके घर फोन करने को मैं मार के चला गया
इसलिए पैसा नहीं था मम्मी, पैसा ले रहा दर्द है जब। तो रोटी कैसा होती है?
अरे कुछ ना करना, प्लान कर रहा हूँ तेरे को दिखाया कैमरा देखो ना ऑन करा तो प्लान कर रहा हो प्रैंक कर दिया देख लो मम्मी देख लो मुझे क्या चुपके से देखो सही से तुमको तो प्रैंक की तुझे पता है प्रैंक क्या होता है किससे प्रैंक कर रहा हूँ कब तो गाइस प्रैंक हुआ सक्सेसफुल देख लो गाइस मैं रुआ दी नन्ने तो गाइस मेरा प्रैंक हो चुका है सक्सेसफुल बिल्कुल एकदम सॉलिड प्रैंक है वो कमेंट करके बताओ कैसा लगा और अब मैं मतलब ये नेक्स्ट प्रैंक बताना किस चीज़ पे बढ़ाऊंगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मम्मी कैसे लगा मेरा प्रैंक मम्मी चलो बूटी तो आई मेरे को और मम्मी को दो बूटी आई और गाइस एक बूटी महंगी है सच में ही महंगी है इनकी साइनिंग देख लो मम्मी कैसे लगा मेरा प्रैंक अरे मम्मी एक छोटी भी और दो बूटी है एक ना दो आप मेरे लिए लाइए ना किसी और लेकर आया तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जय माता दी जय बाबा राम की ऐसी प्यार बनाए रखना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।